लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जन्मदिन मुबारक हो सर। हैप्पी बर्थडे सर। मुबारक हो सर। विशिंग यू हैप्पी बर्थडे सर। कांग्रेचुलेशंस सर। लाइट्स ऑफ। तनेजा साहब, वो लोग जो कानून को अपनी मुट्ठी में लेकर आपके साये में हुकूमत चला रहे हैं, वो सब इस जश्न में आए हुए हैं। ओह यस सर। उन सब की तरफ से आपको एक नायाब तोहफा दिया जा रहा है। मुंबई शहर सेठ के काटने का चाकू। पीटर, तुमको कौन सा एरिया चाहिए? गेटवे ऑफ इंडिया, वर्ली या नरीमन पॉइंट? सेठ अक्का, बंबई आपका जागीर है, इसको क्या देना है ये तो आपका हाथ में है ना। कैंडल से बुझाइए। ये क्या होता है? लाइट्स, लाइट्स। तनेजा, बंबई शहर को आग लगाना तुम्हारा काम है और आग बुझाना हमारा। अपने बहादुरों से कह दो कि गोली चलाने से पहले जरा ऊपर वाले को भी याद कर ले। मैं हमेशा कहता हूं कोई मानता ही नहीं कि इन 6 पिस्तौलों में सिर्फ 36 गोलियां हैं और इस एक बंदूक में 200। बड़ी नाइंसाफी है। सब जानते हैं एक दिन मरना है, फिर भी मौत से डरते हैं। अजीब बात है। बहुत दिनों के बाद हम एक बहादुर आदमी से मिल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जन्मदिन के मौके पर तुम जैसे आदमी खाली हाथ जाए। तुम्हें शांति नगर चाहिए। हम तुम्हें शांति नगर देते हैं। दुश्मन के हाथ से मैं मुंह मीठा नहीं किया करता। वैसे भी तनेजा, तुम दे ही क्या सकते हो? बंबई तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे ही आदमी तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं और तुम्हारी हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। अब तुम एक कच्ची दीवार की तरह खड़े हो तनेजा, एक ही झटके में गिर जाओगे। जन्मदिन मुबारक हो। कौन है वो गद्दार जो हमारे राज दुश्मनों तक पहुंचा रहा है? तुम कम। सर, मुझे लगता है ये जसवंत कुमार की हवा में चलाई हुई गोली है, हम में फूट डालने के लिए। ये सब हमारे आजमाए हुए हैं, हर तरह से वफादार हैं। और तुम जयचंद, क्या तुम और पीटर भी उतने ही वफादार हो? क्या कह रहे हैं सर, हमारा जीना और मरना आप ही के लिए तो है सर। तुम लोगों का जीना तो मैंने देख लिया, रही मरने की बात। पीटर, जयचंद, पीटर की तलाशी लो। कुछ नहीं है तनेजा साहब। पीटर, अब तुम जयचंद की तलाशी लो। ये क्या है तनेजा साहब? मैंने हर कदम पे आपके लिए अपनी जान की बाजी। शट अप। पीटर, तलाशी लो।
बदतमीजी, छोड़ो मुझे। जेट माइक्रोफोन। सर ये सब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बेटे आहिस्ता आहिस्ता तुझे सब समझ में आ जाएगा। हाँ जैसे तुम हमारे दुश्मनों को हमारे अंदर की बातें इसके जरिए बताते रहे। जसवंत कुमार तुम्हारा खेल खत्म। जयचंद की जेब में जो माइक्रोफोन डाला था वो तो तोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी जेब में जो माइक्रोफोन डाला है तनेजा, उसका क्या होगा? तू तो रात भर सोता रहेगा और वो जागता रहेगा। बिलीव मी सर, मुझे जानबूझ के फंसाया गया है, ये सब उन बदमाशों की चाल है। चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये उन लोगों की चाल है, लेकिन तुम उनकी चाल में आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि तुम बेवकूफ हो, और अगर बेवकूफ नहीं हो तो फिर गद्दार हो, और दोनों की सजा जयचंद एक ही होती है। तनेजा साहब, अगर मैं मर गया तो मेरे साथ आपका टिकट भी कट जाएगा। चलो, मैंने अपनी जिंदगी का बीमा कर दिया है। वो फाइल, रिपोर्टर राजदान की फाइल, राजदान की फाइल, सारे सबूत बंद हैं, वो मेरे पास है। अगर आपने मुझे मार दिया तो वो फाइल पुलिस तक पहुंच जाएगी। ये पीटर के चाकू की नाक मेरी तरफ नहीं, आपकी तरफ है। हरामजादे, मैं अपनी मौत को बाद में देख लूंगा, लेकिन इस वक्त तुझे जिंदा नहीं छोड़ा। कोई हिलेगा नहीं। पीटर, आप ठीक है सेठ? नकली गोली से कोई नहीं मरता पीटर। ये बेवकूफ ये नहीं जानता कि हमने इसे जानबूझ के भागने का मौका दिया। अपने आदमियों को इसके पीछे लगा दो, ये हरामजादा जरूर फाइल के पास पहुंचेगा। चलो। तनेजा, जयचंद में अब भी जान बाकी है। अरे दरवाजा बंद। सिंह साहब, मैं एक ऐसी फाइल ला रहा हूं जिसमें तनेजा के खिलाफ हर सबूत मौजूद है। आई सी सर, वन मिनट। तेलीबाड़ी में दंगा फसाद हो रहा है। कैप्टन साहब, इस वक्त तो मैं बाहर जा रहा हूं, आप ऐसा कीजिए कल सवेरे आ जाइए फाइल लेकर, प्लीज। कल सुबह ये फाइल पुलिस के पास पहुंचने से पहले तनेजा इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। आज रात शांतिनगर में हर तरफ पूरा पैरा रहेगा। तनेजा सेठ, शांतिनगर में एकदम कड़क पैरा लगेला है, हवा भी अंदर जाने को नहीं सकता। हवा अंदर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? पानी, पानी तो जा सकता है।
अरे जरा सुनो, ये आग बुझा दो। जरा सुनो, पेट्रोल जसवंत कुमार, अब इस खिलौने से खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही। हाँ, तुमने ठीक समझा, उस टैंकर में पानी नहीं पेट्रोल है, और अब यह पेट्रोल इस बस्ती के हर टैंक में, हर पाइप में, हर घर के नल में, इस बस्ती के कोने कोने में पहुंच गया है। तुम सब सारे के सारे आदमी, औरत, बच्चे इस आग की लपेट में आ गए हो। मेरा एक इशारा, चिंगारी बनकर शांति नगर को जलाकर शमशान बना देगा। अरे ये सब ड्रामेबाजी है जसवंत भाई, इसकी बातों में मत आना। जब बड़े बात करते हो तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। अभी तुमने हमें देखा ही कहां। ड्रामेबाजी नहीं है, चलो बंदूकें फेंको। सीमा, इनसे कहो ये अपने अपने घर चले जाएं। जाइए, आप लोग जाइए। मौसी, जसवंत कुमार, मेरी फाइल मुझे वापस कर दो। मेरे पास कोई फाइल नहीं है। ज्यादा अकलमंद बनने की कोशिश मत करो फौजी, टेलीफोन के सारे तार कट चुके हैं, यहां तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आ सकता। तुम्हारा वक्त और मेरा सबर खत्म हो रहा है जसवंत कुमार। ठीक है, सारी बस्ती को जला देता हूं, फाइल अपने आप ही जल जाएगी। बेटा, सीमा फाइल ले आओ। अच्छी फोटो है हमारी।